अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आइए आज हम ये जानते हैं कि किसी शख्स के ज़िम्मा क़ज़ा नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं और वो उन नमाज़ों को अदा करना चाहता है, तो अदा करने का आसान तरीक़ा क्या है, उन नमाज़ों को अदा करने के लिए वो नियत किस तरह करे और किन किन नमाज़ों की क़ज़ा करे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर किसी की सुन्नत और नफल नमाज़ें छूट गई हैं, फौत हो गई हैं, तो उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है और हर दिन की नमाज में से सिर्फ 20 रकात नमाज़ों की क़ज़ा करनी है, 2 फजर के फ़र्ज़ की, 4 ज़ुहर के फ़र्ज़ की, 4 असर के फ़र्ज़ की, 3 मगरिब के फ़र्ज़ की, 4 इशा के फ़र्ज़ की और 3 रकात वित्र जो के वाजिब है उसकी। और क़ज़ा किसी के ज़िम्मा बहुत ज़्यादा है तो वो यूँ नियत करें कि नियत की मैंने पहली फजर की जो मुझसे क़ज़ा हुई या पहली ज़ुहर की जो मुझसे क़ज़ा हुई, इसी तरह हमेशा हर नमाज में नियत करें। और जिस पर क़ज़ा नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं वो आसानी के लिए इस तरह भी अदा कर सकता है कि हर रुकू और हर सजदा में 3-3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला की जगह सिर्फ़ 1 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला कहे। और फ़र्ज़ नमाज़ों की 3री और 4थी रकात में सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की जगह सुबहानअल्लाह 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 3 मरतबा कहकर रुकू में चले जाएं। ये आसानी सिर्फ फ़र्ज़ों की 3री और 4थी रकात में है, वितरों की 3ों रकातों में अलहम्द और सूरत दोनों ज़रूर पढ़ें। 3री आसानी ये है कि आखिरी अत्तहियात के बाद यानी कायदे अखीरा में अत्तहियात पढ़ने के बाद दोनों दुरूदों और दुआ की जगह सिर्फ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही कहकर सलाम फेर दें। 4थी आसानी ये है कि वित्र नमाज की 3री रकात में दुआए कुनूत की जगह अल्लाहु अकबर कहकर सिर्फ 1 या 3 मरतबा रब्बिग़फिरली कह ले और मामूल के मुताबिक नमाज अदा करे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का यह आसान तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों अहबाब को भी ये क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी क़ज़ा नमाज पढ़ने का आसान तरीक़ा मालूम हो जाए और उनके ज़िम्मा जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो जल्द से जल्द इस तरीक़ा को अपना कर उन नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करें।